नमस्कार, पीएनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं उनके त्रिवेदी। कस्बा आलीपुर खेड़ा में बंदरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, जिस वजह से क्षेत्रीय लोगों में भय व्याप्त है। बंदरों के आतंक से कई लोग जख्मी भी हो चुके हैं। देखिए हमारे संवाददाता शिवचरण राजपूत की रिपोर्ट। कस्बा आलीपुर खेड़ा में बंदरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें बच्चों और बड़ों में भय व्याप्त है। कस्बा में अभी तक आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को घायल कर चुके हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। अभी तक मोहन देवी साग की रोहिणी, अनीता साग की सलोनी राजपूत आदि लोग घायल हो चुके हैं, जिनका जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। बंदरों का आतंक इतना है कि बच्चे अकेले छत पर नहीं जाते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में भय व्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। क्या आपको बंदर ने काट खाया था? हाँ, बच्ची ईंट गिराई दी, मेरी खपड़ी फटी है। और कितने लोगों को घायल कर चुका बंदर? अरे कम से 8-10 जने को। तुम बताओ बहू बात। सोमवती की लगी चोट? नहीं, अभी जो मनोज की पत्नी की चोट लगी, इनके कितनी चोट है? इनके बहुत चोट है, कमर टूटी है, इनके गोड़ टूटी है, कमर टूटी है, जान पे अब्बा है, जोखा है। अच्छा, कोई पकड़ने नहीं आ रहा है? कोई नहीं, कोई नहीं देखते ना, कोई आते ना, देखते ना, का वो तो आतंकवादी जो बंदर हैं। बच्चों को भी घायल किया? बच्चों को गिरता है, बच्चनों की टांगे आगे टूटी गई। ठीक, सभा सेवका बोल रहे हैं आलीपुर खेड़ा से। बंदरों को भाई बहन बेटी को परेशान कर रहे हैं, बच्चियों को पेट फाड़ देते, कपड़े फाड़ देते हैं, नोच के ले जाते हैं, बहु बेटियां गिर पड़ती है। इंद्रो भाई, तो कृपा है आप लोगों से, बंदरों को ये आतंक समाप्त होने चाहिए। बस जय हिंद, जय भारत। हम बंदरों का आतंक है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अभी तक वन विभाग को सूचित नहीं किया गया। अगर वन विभाग को सूचित किया जाता तो यहाँ से बंदरों को पकड़ के कहीं दूर जंगल में छोड़ा जाता उनको। अभी तक बंदरों के आतंक से लगभग 8-10 लोग घायल हो चुके हैं, जिसमें 3-4 बच्चे भी हैं। एक महिला की काफी ज्यादा चोट आई है, उसके कमर की हड्डी में चोट है, पैर टूट चुका है, और वो बहुत ही गरीब है। उसको तो सबसे पहले सरकारी सहायता मिलना चाहिए ताकि उसका उपचार हो सके, उस महिला का। और इन बंदरों से निजात अगर दिलानी है तो वन विभाग को कुछ कार्य करना होगा। वन विभाग को यहाँ पर बंदरों के आतंक से मुक्ति दिलानी होगी। बंदरों को यहाँ से पकड़कर दूर जंगल में छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये घनी बस्ती में रहते हैं और वो आए दिन हमला कर देते हैं। कई बच्चे घायल हो चुके हैं और महिलाएं भी और पुरुष भी, दोनों ही लोग घायल हो चुके हैं। पकड़े नहीं जा रहे, इनके खिलाफ कोई आंदोलन कर रहे हो? अगर बंदर नहीं पकड़े जाएंगे, वन विभाग या गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनती है, तो हम आलीपुर खेड़ा की जनता की तरफ से हम एक आंदोलन करेंगे, और उस आंदोलन के तहत हम डीएम को भी ज्ञापन देंगे, एसडीएम को भी अवगत कराएंगे, ताकि इन बंदरों से निजात दिलाई जाए। बंदरों के हमले से कोई घायल है? एक महिला है विनीता, जिसकी पत्नी है मनोज की, तो उनके बहुत ज्यादा चोट है, सीरियस है। इस समय गवर्नमेंट हॉस्पिटल मैनपुरी में एडमिट है। उनकी कमर की हड्डी में चोट है और पैर भी टूट चुका है, और दो जगह से पैर टूटा है, और बहुत ही गरीब हैं। उनको तो सरकारी सहायता मिलना चाहिए ताकि उनका उपचार हो सके। बेचारे 2 जून की रोटी भी नहीं कमा सकते, मजदूर वर्ग के आदमी हैं। और अगर इसी तरीके हादसे होते रहे, घटनाएं होती नहीं, तो आए दिन कोई बहुत ही बड़ी भयानक घटना दुर्घटना हो सकती है आलीपुर खेड़ा में। हम तो यही चाहेंगे कि सरकार जो है इन बंदरों को पकड़ कर कहीं दूर जंगल में छोड़ आए, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो सके, उनको नियंत्रित किया जा सके।